हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रेजिडेंट। तो गाइस आज के वीडियो हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के विंटर वुल्फ कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो एकदम ऑसम होने वाली है। और गाइस अगर आपने हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं देखा अलादीन वाला तो गाइस अब जाकर देख सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपके पास चैनल पर है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना बोलना। तो गाइस चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, सिंपली गाइस आपने ऐड फोटो पे चले जाना है। और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाने के बाद से आपने मिलेगी वुल्फ की पीएनजी, तो इसको लेना है और सिंपली फुल बैकग्राउंड पे कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे सेट हो जाएगा। तो उसके बाद से सिंपली इसको आपने डन कर देना है और फिर गाइस ऐड फोटो पे जाना है और सेकेंड पीएनजी मिलेगी तो आपने उसको भी ऐड करना है बस, और ऐड करके सिंपली फुल बैकग्राउंड पे करना है और देन इसको डन कर देना है। तो ये दोनों साइड में हमारे सेट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली टिक करेंगे और उसके बाद से हम इसको ड्रॉ टूल में लेकर चलेंगे। तो गाइस यहाँ से लेकर चलते हैं हम इसको ड्रॉ टूल में। और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद से हम क्या करते हैं, लेयर के ऊपर जाते हैं और यहाँ से गाइस फोटो लेयर से गाइस हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप फोटो लेयर से भी ऐड कर सकते हो, ऐड फोटो से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको एडजस्ट कर लिया, देन उसके बाद इसको डन करेंगे। और डन करने के बाद से गाइस जो नीचे एम्प्टी लेयर है ना उसमें हम गाइस शैडो ऐड करेंगे। तो शैडो गाइस आपको पीएनजी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर लेना और उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे इस वाले को आपने ऐड कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर पहले इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं और फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर गाइस शूज़ के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लेकर आते हैं शूज़ के नीचे अपने और फिर गाइस इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पर आपने जूम इन कर लेना है और उसके बाद इसको सेट करना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको कुछ स्टेप से इसको सेट कर लिया है। तो उसके बाद सेट करने के बाद से आपने सिंपली इसको डन कर देना है और डन करने के बाद से एक और कॉपी बनानी है और दूसरे शूज़ के नीचे आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पर हमने इस वाले को एकदम परफेक्टली सेट कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, लेयर्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ मैड फोटो के ऊपर जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक वुल्फ की पीएनजी मिलेगी उसको ऐड करना है। और गाइस उसको ऐड करके अपने ट्रांसफॉर्म को अपने मॉडल के पीछे रखना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया है, डिलीट कर लेंगे उसको और ट्रांसफॉर्म करके अपने मॉडल के पीछे सेट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हमारा वुल्फ है उसमें भी हमें शैडो बनाना है। तो ये शैडो पीएनजी हम चेक करते हैं इस पर सेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे कॉपी करके, ठीक है। आपने इसकी एक और कॉपी बना लेनी है और इस पर यहाँ पर लगा लेना है और फिर उस पीएनजी को आपने वुल्फ के नीचे कर लेना है। तो ये लगभग सेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब दूसरे पैर के नीचे भी हम इसको सेट कर लेंगे। तो एक और कॉपी बनाते हैं इसकी और सिंपली ट्रांसफॉर्म करके हम पीछे वाले पैर के ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर हम इसको रख लेंगे और देन डन करेंगे और उसके बाद इसको भी नीचे कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके हम सेट कर लेंगे। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको सेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस हमारा सेट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली अपने ड्रॉ टूल से फोटो को डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से गाइस हम इसको डन करेंगे और गाइस डन करने के बाद से हम फिर से ड्रॉ टूल में ही जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस चलते हैं अपने ड्रॉ टूल में और यहाँ हम ओपन करते हैं ड्रॉ टूल और उसके बाद से सिंपली हम चले जाते हैं ऐड फोटो पे। तो यहाँ पे आप ऐड फोटो पे जाके एक और वुल्फ की पीएनजी ले लेना। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको ऐड कर लिया है। तो इसको ऐड करने के बाद से आपने लेफ्ट साइड में नीचे के साइड एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपने देख के एडजस्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से टिक कर देंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे और उसमें गाइस वही शैडो का यूज़ करेंगे जो हमने अपने शूज़ के नीचे लगाया था। तो यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनाते हैं और सिंपली ऐड फोटो पे जाके वही शैडो हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको ऐड कर लिया तो सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या करते हैं, हम अपने जो वुल्फ का पीएनजी है ना उसके नीचे हम इसको लगा देंगे ताकि ये गाइस ये हमारा शैडो का काम करे। तो हम सिंपली इसको उसके नीचे रख लेते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म करके इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने भी कुछ स्टेप्स से इसको सेट कर लेना है और देन डन कर लेना है। और डन करने के बाद से आपने क्या करना है, आपने अपनी फोटो को ड्रॉ टूल से डिस्कार्ड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम अपने टिक करेंगे और यहाँ से टिक करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली गाइस ऐड फोटो पे चले जाते हैं
और यहाँ ऐड फोटो पे आने के बाद से आपको स्नो की पीएनजी मिलेगी। तो आपने सिंपली इसको ऐड करना है और इसको ऐड करके जूम करते जाना है कुछ इस टाइप से, देख लीजिए, मतलब पूरा जूम कर देना है इसको एंड तक। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से इसको जूम करके सेट कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसको पूरा जूम किया है, तो आपने भी कुछ इस टाइप से इसको कर लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस जब हम इसको सेट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर परफेक्टली सेट कर लिया, और सेट करने के बाद से सिंपली इसको डन कर देंगे। और गाइस डन करने के बाद से आपने ऐड फोटो पर जाना है, और यहाँ पर गाइस आपने स्नोफॉल वाली पीएनजी ऐड कर लेनी है, सॉरी ओवरले ऐड करनी है, और इसको ऐड करने के बाद सिंपली थोड़ा छोटा कर लेना है। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद सिंपली अब इसको फुल बैकग्राउंड पे कर देना है आपने। तो यहाँ पर गाइस हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अब थोड़ा सा साइज इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर इसका ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर देंगे। और फिर गाइस जो आपके फेस वेस पर कहीं भी आ रहा हो, तो जहाँ आप नहीं चाहते हो, तो वहाँ पर आपने इरेज कर लेना है इसको। तो यहाँ पर अब सिंपली इसको इरेजर पर हम लेके जाएंगे, और यहाँ पर गाइस इसको फेस वेस पर से हम इरेज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इरेज करने के बाद से सिंपली डन करना है, और डन करने के बाद से आपने अपना लोगो लगा लेना है। तो यहाँ पर गाइस इसको थोड़ा हम फास्टली कर लेते हैं, और गाइस लोगो लगाने के बाद से सिंपली इसको डन करना है। डन करने के बाद से ड्रॉ टूल में जाना है, और गाइस यहाँ से करना है फोटो को सेव और चलना है लाइट रूम में। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं अपने लाइट रूम में, और लाइट रूम में आने के बाद से आपने सिंपली लाइट्स के ऊपर जाना है, और गाइस सिंपली से कंट्रास्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पर इसमें माइनस कर देते हैं, माइनस कर 20%। हाइलाइट्स को आपने इंक्रीज करना है, क्योंकि गाइस हमें इसमें वाइट टोन रखना है। तो यहाँ पर हम इसे इंक्रीज कर लेते हैं 20%, और फिर गाइस वाइटीज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है 15, और ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस कर देना है, माइनस के 20। और देन आपने कलर वाले पर चले जाना है, इसमें गाइस आपने टेम्प को माइनस कर देना है, माइनस के 7 और 8 रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें रख लेते हैं, और उसके बाद गाइस टिंट को भी आपने थोड़ा सा माइनस कर देना है, एकदम हल्का सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें ब्लू टोन भी देना है। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया, और देन मिक्स पर चले जाना है आपने, और उसके बाद से आपने ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है। इसमें आपने लुमिनस को इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा, और सेचुरेशन आपने थोड़ा सा डाउन कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, और गाइस देन आपने जिस भी कलर का शर्ट या टी शर्ट पहना हो उसके सेचुरेशन को आपने थोड़ा सा माइनस कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा ब्लू कलर है, तो यहाँ पर इसमें सेचुरेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें माइनस के 50 कर देते हैं, और गाइस इतना करने से हमारा विंटर लुक एकदम आ गया है। उसके बाद हम सिंपली जाएंगे नेक्स्ट वाले टूल पे, और यहाँ पर जो हमारा टेक्सचर है इसको इंक्रीज कर देते हैं 25, ठीक है, और उसके बाद से हम क्लियरिटी अबाउट हल्का सा रखेंगे, 10% रख लेते हैं, और डीएज इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पर विगनेट को हम रख लेते हैं 14 to 15 आपने रख लेना है इसको। और उसके बाद से सिंपली नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाना है, और यहाँ पे शार्पनिंग आपने इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, 25 रख लेते हैं, और नॉइस रिडक्शन आपने रख लेना है इसको 14%। तो गाइस हमारी वीडियो हो गई है फुल्ली कंप्लीट, बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।